गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा उठाया एक परिवार ने अपने एक सदस्य की मृत्यु का। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर से जिले के सबसे बड़े अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लापरवाही का खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ा है, जहां महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों के हंगामे को देखकर अस्पताल के सभी कर्मी व चिकित्सक गायब हो गए। परिजनों ने अस्पताल में चिकित्सकों के नहीं रहने के कारण महिला की मौत होने का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि चनपटिया पकड़ी हार गांव की रहने वाली एक वृद्ध महिला सुभावती देवी उम्र 40 वर्ष को चनपटिया पीएचसी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया था और परिजन महिला को लेकर सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी में महिला को रखा, लेकिन कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। सुबह के 9 बजे तक किसी चिकित्सक ने महिला को नहीं देखा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कई आरोप वहां की व्यवस्था पर लगाया है। वही हंगामा की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर विद्यानंद पासवान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुकुल परिमल पांडे, नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर, अंचलाधिकारी श्यामाकांत प्रसाद, मुसफिल थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा, कालीबाग ओपी थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार भट्ट और मनवापुल ओपी थाना अध्यक्ष मोहम्मद अलाउद्दीन के साथ भारी संख्या में पुलिस जवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में जुट गई। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात परिजनों से की, पर क्या वाकई कभी भी दोषी डॉक्टर और कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई हो पाई है? अस्पतालों से गायब डॉक्टर अक्सर ही अपना निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त रहते हैं, उन पर क्या कभी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है? जब आज तक नहीं हो पाई तो फिर कैसे सुभावती देवी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई कब और कैसे होगी? यह यक्ष सवालों के साथ नगर में प्रबुद्ध जनों के बीच चर्चा का विषय है। मामले में जो हो, पर सच्चाई यह है कि परिवार ने अपनी माँ और एक बेटी को खो दिया है। Oh.